गर्मी के शुरुआती दौर से पहले ही बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने लगी है। खासकर किसानों को गन्ने की बुआई में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक की विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीण और किसानों ने जल्द विद्युत सप्लाई ठीक किए जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस भी विद्युत विभाग पर ग्रामीणों का शोषण किए जाने का आरोप लगा रही है। आज तक इस क्षेत्र में गाँव में रात के टाइम का जो खाना है जी, वो रोशनी में नहीं खा के देखा लोगों ने। ये हालत इस प्रदेश की ऊर्जा इस सरकार ने कर दी है। ये तो यहाँ भाई दिन में चाहना रात को जंगल में रहें, घर में जाकर आराम नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, अंधेरे में खाना खाना पड़ा, परेशानी हो रही, ना सिंचाई पूर्ति हो रही। रज उंगा रजवाया बांधा उंगा भाई, ट्यूबवेल लाइट नहीं आ रही तो ट्यूबवेल नहीं चल रही। इसमें सर जो गर्मी हमारी अप्रैल में आती थी वो इस बार थोड़ा पहले मार्च से ही शुरू हो गई है गर्मी, और गर्मी के बढ़ने के कारण जो स्थिति अप्रैल में बनती थी वो मार्च में क्रिएट हो गई है। और इस वजह से सिर्फ मंगलोर में ही नहीं, मतलब ग्रामीण में भी, उद्योगों में भी, सब में जो हमारा रोस्टिंग का कोड आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए मंगलोर से मुर्सलिन अलवी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।